हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन स्टडी दरबार द गेट वेफिल्स तिवारी एंड आई एम हेयर विद द नेक्स्ट वीडियो द सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश फ्रॉम द सीरीज मिशन एम इसके पहले के टॉपिक्स मैंने सारे कवर कर चुके हैं हमने पढ़ा है फॉर्मेशन एंड एस्टेबलिशमेंट ऑफ एम पी हिस्ट्री ऑफ एम पी वी हैव डन वी हैव डन विद द जोग्राफी ऑफ एम पी नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट और डिस्कसिंग सॉइल्स इन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में किस तरीके की मृदा है और सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा है उस मृदा का क्या फ़ायदा है किस एरिया में वो पाई जाती है सारी की सारी इस वीडियो में हम चीज़ें कवर करेंगे उससे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर तक अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील गोइंग टू नो अबाउट सॉइल्स फॉर्मेशन ऑफ सॉइल आपको पता है पेडोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मृदा का बनना स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी याद रखना अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज और इज कॉल्ड एज सॉयल सॉइल क्या होती है वेदर्ड लेयर जो होती है अपर मोस्ट जो हमारी मिट्टी जो हमारी धरा है जो हमारी धरातल है धरातल की सबसे ऊपर की सतह जो वेदर्ड लेयर बनती है उसे ही अर्थ क्रस्ट की उसे ही हम क्या कहते हैं सॉइल कहते हैं क्रस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी सी आर यू एस टी होता है फाइन मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक दैट इज कार्बोनिक एज वेल well एज अकार्बोनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे एवं महीन कणों खनिज व जैविक पदार्थों बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है इस प्रकार मृदा केवल खनिज पदार्थों का समूह ही नहीं बल्कि जैव पदार्थ भी दैट इज फॉसिल फ्यूल्स भी विद्यमान होते हैं मतलब इसमें फॉसिल्स भी प्रेजेंट्स होते हैं गेटिंग सो कंसंट्रेशन फॉर्म बाय अकोमेशन ऑफ रीज रिज मटीरियल कलेक्टिवलीज सब सॉइल बचपन में आप लोगों ने सॉइल प्रोफाइल भी देखी होगी द वर्टिकल सेक्शन थ्रू इट्स जोन इज वॉट कॉन्स्टिट्यूट सॉइल प्रोफाइल पानी में आप एक काम करें मिट्टी उठाएं और पानी में लेके डाल दें एक ग्लास पानी जो ग्लास आपका ट्रांसपेरेंट होगा दैट इज कांच का ग्लास ठीक है कांच के ग्लास में आप उसको रखेंगे आप थोड़ी देर उसको रखे रहने दें आधे घंटे बाद आप देखेंगे देयर विल बी अ सॉइल फॉर्म सॉइल प्रोफाइल फॉर्म्ड और आप उससे समझ जाएँगे कितने पदार्थ उसमें कौन से प्रेजेंट है हार्ट सब्सटेंस लाइटर सब्सटेंस बिल्कुल लाइट सब्सटेंस ऊपर नीचे वो रेंज में आ जाएंगे गेटिंग मध्य प्रदेश की अगर बात करें बिफोर दैट सॉइल एसिडिटी इट्स डिग्री ऑफ एसिडिटी एसिडिटी मेजर्ड ऑन पी एच स्केल वो कितनी एसिडिक है या बेसिक basic है बेसिकली एसिडिक होती है तो वो पी एच स्केल में हम देखते हैं, ऑब्वियसली kind of अगर वो उस पहले पता करना होगा किस तरीके की उसका नेचर क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर किस तरीके की वेजिटेशन वो सपोर्ट करेगा ग्रो करने के लिए ठीक है एमपी की अगर बात करें तो एमपी में पांच तरीके की सॉइल्स पाई जाती हैं। एमपी हैज कंपोजिशन ऑफ फाइव मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल दैट इज एलि जिसको हम बोलते हैं जलोड़ मिट्टी ब्लैक सॉइल काली मिट्टी मिक्स मिक्स सॉइल है लेट्राइट सॉइल right और रेड येलो सॉयल हमेशा याद रखें कैटिंग अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मैनी लेट्राइट सॉयल मिक्सविथ मिश्रित मिट्टी जिसको लाल या लाल एवं काली मृदा भी कहते हैं लाल पीली मिट्टी मिलती है जलोर मृदा के क्षेत्र ये सारी चीज़ बेसिकली पांच डिवीजन है काली मृदा जलोर मिट्टी जलोर मृदा लाल पीली मिट्टी लेटराइट मिट्टी और मिश्रित या लाल एवं काली मृदा ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल दैट इज ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल से हम इसको स्टार्ट करते हैं इसको रेगुर सॉइल और कॉटन सॉइल भी कहते हैं याद रखना काली मृदा को रेगुर या काली कपास मृदा दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं करेल तथा चेरनो जम मृदा भी कहते हैं इसे करेल मृदा या चेरनो जम मृदा भी कहते हैं यह मृदा मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्र प्रति के फोर्टी थ्री पॉइंट फोर फोर परसेंट एरिए में विद्यमान है या विस्तृत है जो मालवा के पठार नर्मदा घाटी विंध्याचल एवं सतपुड़ा घाटियों में स्थित पन्ना दतिया ग्वालियर तथा शिवपुर शिवपुरी आदि जिलों में पाई जाती है काली मृदा का निर्माण दक्कन ट्रैप शैलों के विखंडन से हुआ है इसमें नाइट्रोजन इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मृदा कम पाई जाती है जबकि चूना मैग्नीशियम पोटाश, एल्यूमिनियम तथा या एवं लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है याद रखना लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है डू अंडरस्टैंड दिस लाइन डू इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लें फाइन इसका काला रंग किसके कारण होता है बेटा इसका काला रंग लोहे की अधिकता के कारण होता है इस मृदा की प्रकृति दैट इज नेचर एल्कलाइन होता है दैट इज क्षारीय होता है क्योंकि इसका पी मान सेवन से 8.6 है इसमें जो पीएच लिखा है 5.5 टू 8.5 बेसिकली इट एट शुड बी 7.5 टू 8.5 चलो 5.5 भी चलेगा क्योंकि गहरी अलग होती है एक होती है गहरी दैट इज चैलो एंड मीडियम ब्लैक सॉइल और एक होती है मीडियम एंड डीप ब्लैक सॉइल दैट्स वाई उसका पीएच अलग अलग दिया हुआ है तो 5.5 से 8.5 भी आप मान सकते हैं इसका पीएच होता है यह मृदा ज्वार कपास गेहूं चना जौ व सरसों आदि फसलों के लिए उपयुक्त तो मानी जाती है याद रखिएगा भाई ठीक है काली मृदा को मुख्यतः दो भागों में दो टाइप में तोड़ दिया गया एक है डार्क ब्लैक सॉइल दूसरी है लियर्ड ब्लैक सॉइल और गहरी काली मृदा या मध्यम या छिछली काली मृदा अब गहरी काली मृदा के बारे में पढ़ लेते हैं भाई कि गहरी काली मृदा क्या होती है तीसरा एक और दिया है नॉर्मल ब्लैक सॉइल नो नीड टू मोर अबाउट दैट थिंग फिर भी हम देख लेते हैं गहरी काली मृदा दैट इज डीप ब्लैक सॉइल गहरी काली मृदा मध्य प्रदेश के लगभग सोलह दशमलव दो एक मिलियन हेक्टेयर लाख एकड़ क्षेत्र पर विस्तृत है जो राज्य के कुल क्षेत्र पर का लगभग थर्टी है यह मृदा मुख्य रूप से नर्मदा घाटी मालवा एवं सतपुड़ा के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है इस मृदा में चिकनी मृदा की मात्रा ट्वेंटी टू सिक्सटी परसेंट तक मिलती है यह मृदा गेहूं तिलहन चना तथा ज्वार की कृषि के लिए उपयुक्त है ठीक है इसके बाद दूसरा हमारा आता है गहरी इसी में गहरी काली मृदा का विस्तार मध्य प्रदेश के लगभग 35 जिलों में है जिनमें होशंगाबाद हरदा नरसिंहपुर शहडोल उमरिया कट कत, कटनी जबलपुर सागर आदि सम्मिलित है दूसरी टाइप मध्यम या उथली काली मृदा मीडियम और शैलो ब्लैक सॉइल जिसको तो नॉर्मल ब्लैक सॉइल कह रहे हैं दैट इज सेलो ब्लैक सॉइल यह मृदा मध्य प्रदेश के 3.03 मिलियन हेक्टर क्षेत्रफल पर विस्तृत है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.91 परसेंट है इस मृदा का विस्तार मालवा पठारी मालवा पठार के क्षेत्र पर भाग निमार क्षेत्र तथा सतपुड़ा श्रेणी के समीपवर्ती क्षेत्रों में है जिनमें मुख्यतः बैतूल छिंदवाड़ा सिवनी नरसिंहपुर जिले आते हैं इसमें मेनली क्या ग्रो होता है तो आप हमेशा याद रखें राइस वीट सोयाबीन ये सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो होती है मध्यम काली मृदा का रंग भूरा अथवा हल्का काला होता है और तथा उथली काली मृदा का रंग गहरा काला तथा पीला होता है उथली काली मृदा में पंद्रह से बीस परसेंट चिकनी दोमट मृदा पाई जाती है याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है एलिवेल सॉइल जिसको हम हिंदी में जलोड़ मिट्टी या जलोड़ मृदा भी कहते हैं ब्रैकेट में उसका पीएच बेसिकली लिखा हुआ है पीएच इसका जो लिखा हुआ है मान के चलते हैं हम अप्रॉक्सीमेटली सेवन होता है सिक्स पॉइंट कहाँ से कहाँ तक दिया है इस सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फोर बट बेसिकली हम सेवन ले के चलते हैं ठीक है अब जलोड़ मिट्टी की बात करें जलोड़ मृदा को दोमट मृदा भी कहा जाता है दोमट मृदा याद रखना दोमट सॉइल भी कहा जाता है इसका निर्माण हिमालयी तथा प्रादीपीय नदियों दट इज हिमालयन रिवर एज वेल एज पेनेसुलर रिवर वैलीज द्वारा बहा कर लाए गए अवसादों से हुआ है इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की मात्रा कम होती है ह्यूमस आप सबको तो पता होगा मिट्टी के ऊपर जो चिकना पदार्थ होता है जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है ह्यूमस की मात्रा कम होती है जबकि चूना फॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक एसिड जैव पदार्थों एवं पोटाश की प्रचुरता पाई जाती है मतलब मैक्सिमम पाया जाता है इस मृदा को प्रकृति उदासीन होती है

उर्वरता अधिक होने के कारण यह मृदा खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से सबसे उपयोगी है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है लेकिन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल ही मिलती है वो भी कहां पर हिमालयन रीजन जब मैंने हिमालय वाला पोर्शन पढ़ाया था आपको इसका वीडियो डाला हुआ है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा यू कैन सी दैट इन दैट वीडियो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जब मैंने पढ़ाया यह मृदा मध्य प्रदेश के लगभग 3.35 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाई जाती है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.57 परसेंट भाग है जलोढ़ मृदा राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित भिंड मुरैना श्योपुर तथा ग्वालियर जिलों में पाई जाती है यह मृदा गेहूं चना सरसों राई जौ आदि फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है हमेशा याद रखना फाइन नाओ जलोढ़ मृदा क्षेत्र में सॉइल या मृदा अपर्दन सॉइल इरोजन इन एल्युअल सॉइल मैंने बताया चंबल घाटी क्षेत्र में है तो भाई यहाँ पे सॉइल इरोजन भी बहुत होता है मृदा अपर्दन का अर्थ है बाह कारणों मतलब जो फोर्सेस होते हैं बाहर के बाहर के मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे वायु एयर जल वाटर एंड गुरुत्वीय विस्थापन द्वारा मृदा कणों का अपने मूल स्थान से पृथक होकर बह जाना मृदा मृदापर्दन को रेंगती हुई मृदा दैट इज क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है याद रखना रखें सॉलिरोजोन क्या कहा जाता है क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है मध्य प्रदेश में चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र अर्थात भिंड श्योपुर मुरैना ग्वालियर आदि क्षेत्र मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है इन क्षेत्रों में गुली इरोजन, इज अवनालिका अपरदन के कारण खो खड्डों या उत्खात भूमि का निर्माण हुआ है मृदा अपर्दन को रोकने के लिए प्रभावी उपाय क्या है अवनालिका अवनालिकाओं दैट इज इरोजन जो है का भराव एवं ढलाव के सहारे वेदिकाओं का निर्माण करना बिहार क्षेत्रों का समतल एवं इन क्षेत्रों में मिट्टी को संगठित रखने वाले पौधों का रोपण करना है। ये अभी हमारे यहाँ स्कीम जो चालू हुई है उसके थ्रू यही करना है कि यहाँ पर क्या करना है बेसिकली ये जो बिहार एरिया है इनको समतल बनाना है वहाँ पर पेड़ों का लगाना है ठीक है मृदा अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना और अत्यधिक पशु पशुचारण पर प्रतिबंधन लगाना डेडिंग बेटा आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा इसके बाद हमारी आती है मिक्स सॉइल दैट इज मिश्रित लाल एवं काली मृदा को ही हम मिश्रित सॉइल में हमने डाल दिया है तो हम पढ़ लेते हैं इसमें ज्वार मेज के सीरियल ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं मैं मृदा को मैं मिक्स्ड कोयल को साथ में रेड येलो सॉइल के साथ ही आपको बता दे रहा हूँ फाउंड इन विधेन्शियल रीजन अगर अगर मिक्सड सॉइल की बात करूँ दिस सॉइल रिलेटिवली लेस फर्टाइल एंड लेक्स इन फॉस्फोरस फॉस्फेट नाइट्रोजन ह्यूमस इसमें तीनों चीज़ें नहीं होती रेड प्लस येलो प्लस ब्लैक सॉइल मिल आपकी आपकी सॉइल बन जाती है अगर हम रेड येलो रेड एंड येलो सॉइल की बात करें तो येलो इन कलर होता है येलो कलर किस कारण होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण रेड कलर क्यों होता है ड्यू टू कॉम्पाउंड प्रोड्यूड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन आयरन के ऑक्सीडेशन के बाद जो कंपाउंड बस है वो लाल कलर का हो जाता है इसमें भी ह्यूमस और फॉस्फोरस नाइट्रोजन नहीं होता है तैतीस से चौंतीस प्रतिशत मध्य प्रदेश में इसी मिट्टी का भाग पाया जाता है मेनली बघेलखंड एंड पार्शियल पार्ट ऑफ बुंदेलखंड में ये मिट्टी पाई जाती है इस मृदा को लाल रेताली रीतीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है जो सभी प्रकार की मिट्टियों का मिश्रण है यह चट्टानों के विखंडन से निर्मित होता है जहां जहां मिलेगी 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 ग्रेनाइट चट्टान मिलेगी, मिलेगी। मिले पाई जाती है मिश्रित की बात करें फाइन जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का जीरो भाग है इस मृदा का विस्तार मंडला डिंडौरी भालाघाट रीवा सतना पन्ना छतरपुर टीकमगढ़ शिवपुरी गुना आदि जिलों में है मध्य प्रदेश में यह मृदा लाल पीली मृदा या काली मृदा के क्षेत्रों में मिश्रित रूप से मिलती है बुंदेलखंड के कुछ भागों में रेत और बालू के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है मिश्रित मृदा ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है इसके बाद हमारे आता है लेटराइट सॉइल लेटराइट सॉइल लेटराइट मृदा एक चट्टानी मृदा है इसलिए इसमें चट्टानों के कण अधिक पाए जाते हैं इस मृदा को लाल बलुई तथा स्थानीय स्तर पर भाटा भी कहा जाता है इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता, आर्द्रता एवं शुष्कता में क्रमित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों में होता है इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है इसमें आयरन और सिलिका बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है आयरन रिच आयरन ऑक्साइड्स एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें बहुत होता है इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में तापमान व वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण क्षारीय तत्व व ह्यूमस जल के साथ घुलकर नीचे की परतों में चले जाते हैं यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है जो बागानी फसलों दर चाय कॉफी के लिए उपयुक्त मानी जाती है यह मृदा छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों के अधिकांश भूभाग पर विस्तृत है याद रखना ठीक है इसके बाद हमने लाल पीली मिट्टी को अलग से भी देख चुके हैं फिर से एक बार अगर पढ़ना है मैं आपको हिंदी में भी एक बार समझा देता हूँ कि भाई लाल पीली जो मृदा का निर्माण रविदार और रूपांतरित चट्टान दैट इज मैडमॉर्फिक रो रॉक्स के अपर्दन से होता है मध्य प्रदेश में यह मृदा राज्य के कुल क्षेत्र पर का थर्टी सिक्स परसेंट दैट इज थर्टी फोर थर्टी थ्री टू थर्टी फोर परसेंट एरिया में पाया जाता है जो मुख्यतः बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों विशेषकर मंडला बालाघाट सीधी सहडोल जिलों में पाई जाती है इस मृदा में लाल रंग अब भी बताया फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड की जल से क्रिया के कारण होता है दैट इज वही आपके आयरन ऑक्साइड आयरन का जो ऑक्सीडेशन होता है उसके बाद फाइन जल के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है फेरिक ऑक्साइड ही यह मृदा धान की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है याद रखना यह या अम्लीय प्रकृति की मृदा होती है इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है यह मृदा प्रायः अनोर्वर बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है सम एक्स्ट्रा सॉयल्स आदि जिसका मेजरली कुछ है नहीं लेकिन देख लेते हैं डेन्यूवल रिवर्स डेट इज़ यूरोप में अगर हम बात करें यूरोप की देनूब, देनूब, देनूब रिवर पासिस थ्रू 15 कैपिटल्स पंद्रह कैपिटल से पास होती है बांसागर बांसागर प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर टू सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बांसागर प्रोजेक्ट दे दिया वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्रॉम एशीज फ्रॉम सेशीज जो वेस्ट साइड पर रिवर बहती हैं वो एश्री बनाती है वेस्ट साइड पर मतलब अगर हम अरब सागर पर देखें अरब सागर पर जो भी नदियाँ जाके बह गिरती हैं वहाँ पर वो एशीज बनाती हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वहाँ पर क्या बनता है डेल्टा फॉर्मेशन होता है कॉन्फ्लेंस पॉइंट सो हैव मैक्सिमम एरिया तो यहां पर आप देखेंगे जहां पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है वहां पर सबसे ज्यादा आपको जलोड़ मिट्टी पाई जाती मिलेगी दिस इज द मैप ऑफ मध्य प्रदेश यहां पे हम सॉइल्स की बात कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा एरिया आप देखें कवर कौन सा कर रहा है दिट इज ब्लैक सॉइल ब्लैक सॉइल डीप ब्लैक सॉइल एंड शेलो एंड मीडियम ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा एरिया आपका कौन सा कर रहा है ब्लैक सॉइल सेकेंड नंबर पे आती है रेड येलो सॉइल और थर्ड नंबर पे आती है आपकी एलिवेल सॉइल सो दिस इज फॉर दिस इज अबाउट soils इन मध्य प्रदेश आई होप आपको सारे टॉपिक्स ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत समस्या डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं आप मुझे सोशल मीडिया में ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम तीनों से जुड़ सकते हैं पार्ट्स ऑन दैट अगर आपको और भी डाउट होता है तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं टिल देन इट इज़ स्टाइनिंग ऑफ अभिषेक तिवारी टिल देन टेक केयर बबाई